सन 1974 मजदूर फिल्म का ये गाना। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। इस लिरिक्स में जीवन का पूरा सार है। अगर आपको गीता नहीं पढ़नी है, भगवद गीता नहीं पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान श्री कृष्ण को नहीं सुना, किसी भी धर्मग्रंथ को नहीं समझा, कुछ नहीं समझा, सब छोड़ दो। ये दो लाइन का गाना, वो भी बॉलीवुड का, कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। तीन एग्जांपल्स बताऊंगा मेरे अपनी ज़िंदगी के, आपको समझ में आ जाएगी। ये तीन एग्जांपल्स सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा कीड़ा है, कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। 1974 में ये सॉन्ग आया था, 50 साल बीतने के बाद जाके बात पकड़ में आ रही है भाई, कि आदमी जो कहता है, जो भी वो बोल रहा है, जैसे भी वो बोल रहा है। मेरा अपना एक भाई है, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की हुई है, जो करीब 8वीं 9वीं में था, तब से उसने एक मूवी देखी थी, उसमें राजपाल यादव का एक किरदार था, जिसमें उसने अचानक से एक जगह पर यह कह दिया कि मैं एक्सपर्ट हूँ। अब वो लाइन उसे इतना पसंद आया कि वो हर बात पे ये बोलना शुरू कर दिया। मेरे अपने भाई की बात है, छोटू बोलते हैं हम लोग उसको घर पे। आज वो करीब 25 साल का है और वो 8वीं क्लास की उम्र से, यानी कि करीब 14-15 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक ये लाइन को तकिया कलाम की तरह बोलता रहा। मैं एक्सपर्ट हूँ, हर बात पर मैं एक्सपर्ट हूँ, चाहे उसको वो चीज़ आए, चाहे वो ना आए। दिखाओ, तुमको नहीं आता, मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। इवन इतने मस्ती में रहता था वो कि पेमेंट, जैसे हम लोग कुछ खा रहा, जब बड़ा हुआ कुछ कमाना शुरू किया, तो अब तो हम तो बड़े भाई हैं उनके, तो हमें आदत थी जब भी छोटे भाइयों के साथ खाना पीना बैठना है कहीं, तो पैसे हमें देना है। एक वक्त आया जब वो कमाना शुरू किया, तो हम सब खा लिए और मैं उठ के जा रहा था पेमेंट करने के लिए, तो उसने मुझे रोका, अरे रुको ना यार, बड़े भाई हो तो क्या हुआ, मैं एक्सपर्ट हूँ। उसने अपने पॉकेट से पैसे निकाले और दिया। यहाँ पे ये लाइन बोलना बनता भी नहीं था, लेकिन उसकी आदत बन गई थी, मैं एक्सपर्ट हूँ। लिटरली आज वो 25 साल का है और अपने काम में, जो काम वो करता है, उसमें एक्सपर्ट है। महीने के 12-15 लाख रुपए आसानी से कमाता है। उसने कोई बहुत बड़ी डिग्री भी नहीं ली, उसने बस थोड़ी बहुत मैकेनिक वाला डिग्री लिया और आज वो अपने काम में शानदार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी भर एक ही बात कही और वही सदाएँ उसकी पीछा करती रही। इसका ठीक विपरीत एक उदाहरण देता हूँ मेरे ही रिलेटिव में। मेरी एक आंटी है जो बात बात पर कैंसर की बातें किया करती थी, कि माइक्रोवेव ओवन में खाना नहीं बनाना चाहिए, कैंसर सेल्स डेवलप होते हैं, ये नहीं करना चाहिए, कैंसर होता है, फिनाइल से रोज़ घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, उसके स्मेल से लंग्स कैंसर होते हैं, ये कैंसर होते हैं, वो कैंसर होते हैं। और उन्हीं की बेटी को ब्लड कैंसर हो गया। अब ये बच्ची तो ज़िंदगी भर नहीं बोली, लेकिन वो सुनी तो है, समझ रहे हो। मेरे भाई ने ज़िंदगी भर में मैं एक्सपर्ट हूँ बोला, और मेरी दूसरी बहन ने, मेरी आंटी की बेटी ने सिर्फ सुना, ये कैंसर होता है, कैंसर होता है, कैंसर होता है, उसे ब्लड कैंसर हुआ और वो नहीं बच पाई। देखो, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो ये जो हम फॉर्मूला समझ रहे हैं कि यूनिवर्स में जो भगवान गौतम बुद्ध समझा के गए हैं, भगवद गीता में श्री कृष्णा समझा के गए हैं, हर धर्मगुरु हमें बता रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हम अपने आसपास कैसी ऊर्जा छोड़ रहे हैं। एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आएगा। मेरा अपना एक दोस्त है, आज तो भगवान की कृपा से मैंने बहुत पैसा कमा लिया है आप लोग की आशीर्वाद से, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो स्कूल टाइम पे बहुत अच्छा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। उसके पापा लेकिन उसको हमेशा एक बात कहा करते थे, जो बोलता था कि भाई अच्छे से पढ़ो नहीं तो भीख मांगोगे, अच्छे से पढ़ो नहीं तो भीख मांगोगे। पता नहीं कैसे
ये प्रोग्रामिंग उसके अंदर हो गई और हमेशा वो हम सबके सामने बोलता करता था, करो बे करो नहीं तो भीख मांगोगे, ऐसा करो नहीं तो भीख मांगोगे, वैसा करो नहीं तो भीख मांगोगे। आज उसकी एक अच्छी खासी नौकरी है, ठीक ठाक काम कर रहा है, अधिक संपत्ति से मिला हुआ घर है, सब कुछ है, लेकिन उसकी भीख मांगने की आदत नहीं गई। हर कुछ दिन में कभी पैसों की, कभी गाड़ी की, कभी किसी और सामान की, इवन अपने रिश्ते में भी, जब उसका एक रिलेशनशिप हुआ था, अभी तो शादी हो गई, तो अपने हर रिश्ते में प्यार की वो भीख मांगता रहा, वो अटेंशन की भीख मांगता रहा, कभी दोस्तों में, कभी परिवार में, उसको जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत है वो भीख ही मांगता है। कभी उसने अचीव नहीं किया, उसको इज्जत मांगनी पड़ी, आज भी वो अटेंशन इज्जत मांगना पड़ता है उसको। हम सब के बीच में जब अभी हाल फिलहाल में हमारे स्कूल के दोस्तों के बीच में एक फंक्शन हुआ था, कुछ आपस में ही मिल करके हम कुछ बैठना चाहते थे और समहाउ उसको पूछना ही भूल गए। वो बेचारा हर किसी को फ़ोन करके ये बोलता, यार मुझे भी तो इन्विटेशन भिजवाओ, मुझे भी तो इन्विटेशन भिजवाओ। आप समझ रहे, मतलब कि वो ये बात पहले सुना अपने पिताजी के मुँह से, फिर बोलना शुरू किया और अचानक से उसकी दुनिया वैसी हो गई कि हर चीज़ उसको भीख मांग कर ही मिल रही है। तो आप समझ रहे हैं ना, आदमी जो सुनता है, आदमी जो कहता है, आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, वैसे ही जो वो देता रहा, जो हम सब ने दिया संसार को, जो दुआएं दी, जो बातें कही, वो ही हमारा पीछा करता है। और जो हमने दूसरों से लिया, हमारे जाने अनजाने कर्मों से लोग हमें बोलते हैं ना, कोसते हैं ना, जैसे कि सर किसी सरकारी ऑफिस में हम दीवार के कॉर्नर में जो लोग थूक देते हैं गुटखा खा के, पान खा के, फिर जो एक साफ सुथरा आदमी वहाँ से गुजरता है तो गाली देते हुए निकलता ना, कैसे बदतमीज़ लोग हैं, इनके मुंह में कुछ होता क्यों नहीं, इनके मुंह में कीड़े पड़े। एवेंचुअली वैसे ही लोगों के मुंह में कैंसर हो जाता है, वैसे ही लोगों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं। भैया देखो, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आदिकाल से, बहुत सालों से, 100 सालों से बोलेंगे, लोग पान गुटखा खा रहे, लेकिन अभी अभी ही कैंसर का इतना ज़्यादा शिकायत क्यों हो रहा है? क्योंकि वो दे रहे हैं। वैसे पहले के लोग भी खाया करते थे, लेकिन इज्जत से सही जगह पर स्प्लिट किया करते थे, थूका करते थे। खैर ये तो बहुत गहरी बात हो गई, सबसे मेन बात ये है कि जो आप दे रहे हैं, जो आप ले रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वही आपका पीछा करेगी और ज़िंदगी भर आपका पीछा करेगी। आपके कर्म भी इसी से ही तैयार होंगे। तो अगर अपने कर्मों को अच्छा करना चाहते हो तो अच्छा बोलना शुरू कर दो, अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को लाना चाहते हो अच्छा बोलना शुरू कर दो। वो मत बोलो जो हो चुका है, वो बोलो जो होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत हो गया हो, इवेंचुअली अभी कुछ गलत हो गया हो, थोड़ा देर पहले कुछ गलत हो गया, बार बार उसको मत दोहराओ। या क्या गलत हो सकता है उसको बार बार मत बोलो, ठीक है, नेगेटिव पार्ट को भी डिस्कस कर लेना चाहिए, एक दो बार डिस्कस कर लिए बात खत्म होती, अब पॉजिटिव क्या हो सकता है, क्या बेहतर होना चाहिए पे बात करो ना भाई, मैजिक शुरू हो जाएगा। ये छोटी सी बातें हैं जो अगर हम पकड़ लिए, और ये जो गाना है, इस गाने को फिलहाल तो कुछ मत बोलो, इस गाने को रोज गाना शुरू कर दो, कम से कम दिमाग की प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि क्या नहीं बोलना है और क्या बोलना है। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।